यानी 50 रुपए। बल्लू का खैया कैप्टन चढ़ी है और पुनवासी का कदिया खेलियो यहाँ रगबाजी चोद रहे हैं, यह हमारी मौत हो जा रहे, दुकानें दे रहे हैं। कहा तुम्हारी मौत हो गई, पकड़े आए न, और तुम इच्छा तो है नहीं बिटिया का, हम दो दो जने लाग तुम अकेले। खड़ी हो जाओ बालके, सब बात क्या सहली की गदरानी जवानी है, क्या सूद साले लौंडिया पालते हैं। अरे वाह, अब मजा आएगा कुछ, साला बुढ़ा भी नहीं है, रास्ते में इससे निपट लेता हूं। शोभा आओ। शाबाश। अरे क्यों डर रही है भाई, तो तुम मुझसे गंदी बात करोगे, मैं तुम्हारा बात नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं भी जवान हूं और तू भी जवान है। अरे भाई जब तू और तेरी बहन भी तो जवान है, उसको क्यों नहीं कहता। अरे यार, ये साली बहन को कह रही है भाई, दोनों जवानी के मस्ती में चूर, तेरा कसूर तेरा कसूर, ना तूने मती देखी ना तूने छिले देखा, एक डंड हो गया कुकर घंट हो गया, कुकर घंट हो गया। सुन शोभा मेरी व्याख्या से, और मेरी जान शोभा न आंसू बहाव, शोभा न आसो बहाओ, और उसे छोड़ सीने से हम बोला। अरे
मालिक बड़ी खराब तुमरे मर्ज है, आज हम जान तुमरे यह मर्ज है। अतने जोरन मिर्गी आई है, यहाँ झूर घू पर रहा वो खा गयो। अरे तो भैया मेरे मिर्गी तब आती है। और भाई कहीं भी दिया गया। अरे कोई बोला इसे शौक छोड़ो, अब चप्पल चलाओ। अरे पता नहीं मेरे पीठ पे भाड़ 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 सिर पे पड़ने लगे। अच्छा, उसमें मेरा दिमाग पागल हो गया। हजारों पर नहीं, मैं गिना नहीं भाई, मुड़े पर पड़े। हाँ मुड़े पर। अच्छा शोभा, मेरे पास समय बहुत कम है। नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं शोर मचाऊंगी समझ लो। अपनी असल्टी का बदला मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा। आगे बढ़ो, ये पटापट ये लाचा वाचा खोलो। अरे मुझे 5 मिनट में काम खत्म करके मीटिंग में तो जाना है। आओ, कष्ट कुछ नहीं होगा। अब तो हमारी तुम्हारी बॉडी भी बन गई एक तरह, अब मजा ही तो दूसरा आएगा। जब तू 14 साल की थी तो मैं बोला नहीं, 376 केस लग जाता। अब क्या, अरे मेरी सरकार है, मैं मनमाना करूंगा। चलो भैया, जब भी कोई काम करते हैं तो सर हम सुरमे ही करते हैं। जरा लगो भैया सुरमे। और आता है आशा राम मस्ताना छतौनी खेरवा की तरफ से 10 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा चल तैयार हो। अरे कहां से लाई है दिल की दवाई, ये शोभा तेरे पास एक टैबलेट है, तू मुझे दे दे मैं खा लूं फिर ठीक हो जाऊंगा। अरे कहां से लाई है मैं दिल की दवाई, कहां से लाई है मैं दिल की दवाई, कैसे आता है संजय भैया। संजय भैया की ओर से दोनों कलाकार के लिए 21 रुपया है और गाने की फरमाइश नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। हाँ साहब, इस लड़की को रास्ते में कमाल सिंह परेशान करते हैं। और ये कौन, वही चंदन सिंह के सब्जी मंडी को जाते हैं सब्जी लेकर के। देखिए वापस आ रहे हैं चंदन सिंह भैया और रास्ते में शोरगुल सुनते हैं, दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ जाते हैं और के कमाल सिंह से क्या बात करते हैं। ठाकुर तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊंगी। ऐसे नहीं माने, अब मुझे
तेरे साथ जबरदस्ती ही करना पड़ेगा। और सीधे साधे तू अगर और नहीं करोगी प्यार, और जबरन तेरे अरे साथ में अरे लूटू मौजी पहा। अरे क्या तलवार दिखा रहे हो, भड़ 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 कर रहे हो, क्या बात, पागल हो क्या? मैं और पागल साले? हाँ तू पागल है, बोल कहने क्या कहता है? अरे इसे नहीं जानता क्या? मुझे क्या मालूम। अरे पागल है, मेरी बीबी है भाई। तेरी बीबी है? हाँ। अरे क्या बताएं यार, तुम अच्छे उल्लू के पट्टे हो यार, दोनों को दोनों। सॉरी यार। आइए देखिए, आइए आइए भैया आइए, क्या बात है? अरे हमको तलवार दिखाने चले, और ये देखो ये साला मार रहा था मुझे। ए! अरे मैं अपनी बीबी से बात, मेरी बात सुनेगा साले? अगर तेरी बीबी है तो क्या तेरे घर नहीं है? अब इसको स्टोरी समझा दे, शॉर्टकट में ले ले। स्टोरी समझाओ पूरी। देखिए मैं घर में नहीं था। अच्छा अच्छा, मेरी मीटिंग लगी हुई थी और घर में हमारी माँ से लड़ाई कर दिया। यार तेरी माँ से इसका झगड़ा हो गया? हाँ, फिर ये सीधा अपने मैके चली गई। अच्छा अच्छा। जब अपने मैके चली गई तो मैं वहां से आया बेटी किसे, तो हमने कहा माँ हमारी बीवी कहाँ गई है, ये बच्चे तो बच्चे रो रहे इधर उधर। अरे तो हमारी माँ ने कहा बेटा वो इतनी नालायक है, मुझे भी जद्दपत बक के चली गई अपने मैके। अच्छा अच्छा। तो हम अपनी माँ को बहुत मानते हैं। अच्छा अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सीधा अपनी ससुराल गया। वहां गया तो हमने कहा क्यों मैडम, क्यों माँ को गाली देकर के चली आई? अरे तू ये भी ला बढ़ा के कुछ बक दिया, लेकिन हमारे सास ससुर इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं। तो उसने कहा कि नहीं दामाद जी, गलती हमारी लड़की की है, तुम ले जा सकते हो। मैं इसको वहां से लेकर मना दना के चला, और रास्ते में फिर इसका दिमाग बदल गया। फिर क्या हुआ? हल्का सा क्रैक है दिमाग की, और बस वहीं पे मैं घर को आ रहा था, और ये उधर अपने मायके की तरफ। यानी तू कह रहा था कि घर चल। हाँ, उसी में तुम लोग सोचे होंगे कि यार कोई लव स्टोरी हो रही है। वैसे बड़ी भारी गलती हो गई, हम लोग बीच में आ गए। भाई देखिए इधर आइए, देखिए अच्छा है तुम्हारे पति देवता है, और लड़ाई रास्ते में मत करो अपने शौहर के साथ में अपने घर। देखिए बाबूजी, ये मेरा पति नहीं है, मुझे रास्ते में छेड़ा, मुझे बचा लीजिए। ये तुम्हारे कौन है बताइए? बाबूजी ये मेरा कोई नहीं है, देखिए ये एक ठाकुर है और मैं एक हरजन की लड़की हूँ। यानी एक ठाकुर है, तुम हरजन की लड़की हो? हाँ। यानी हरजनी हो? अरे हाँ भाई, हरजन की लड़की हो तो हरजनी यहाँ पे करो। देखो अच्छा है, तुम गंगा माँ की सौगंध खाकर कहो कि हमारे कोई नहीं सत्य बोलना, हमेशा हम लोग बात कर लेंगे। मैं गंगा में एक सौगंध खा के कहती हूँ ये कुत्ता मेरा कोई नहीं है। अरे भैया हमको लगता है वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा इसमें। सत्य बड़े गुंडा हाजिर है, सत्य बड़े गुंडा, एक देख दादा एक देख गुंडा यहाँ बैठे है, और वहाँ यहाँ गुंडा ही कर रहा हो। अरे ये मोम्मा चोर की दाल तो तू चले हंस वाली चाल तो पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कुछ लड़का कैसा कमाल। अरे भैया बीबी महतारी लगा।
इसके साथ ही जाना था लेकिन अरे साले सब नहीं आते कह रहा था दीदी मेरी और सुन मैं बात कहूं ओ सता तूने से अरे मैं तुझे सता सुने और माफ कर दो ठाकुर अरे मैं तो चला जाऊंगा चेहरा देखो हमार सेहत देखो तो कहाड़े चिड़ी मार तो साले जो ये करता वही तू करता है ना भैया इनके चमचा ही नहीं जो करवावत तो करे परत है सारे तो चमचा ही हम भात आ चला जा चला जा पूरी बात सुन लियो यहां पर अहुआ फाकन लिया बेटा ने बांस जिंदाबाद है पूरी बात सुन लियो यहां चुपे चले आओ चुपे चले आओ पूरी बात सुन लियो बोलो साले पूरी बात नहीं सुन ये ठाकुर इसका हम स्वागत करेंगे बहुत जोरों के साथ स्वागत करा इसके लिए एक माला लेकर क्या गुलाब का माला लेकर आए जैसे साहब नहीं आती है साले ऐसे कंधे काम करते हुए मैं एक ठाकुर हूँ
अच्छा चलो माला बजाओ भैया, देखो ठाकुर माला बनने जा रहे हैं, तालियां बजाना कस के भैया। अरे गधामो झोल सरवावो जमाना खूब आया है, जमाना खूब। यार मैं खुशबू नहीं आ रही है, खुशबू ये गाय लियो। हेलो, हाँ सुनारी आ गए रोहित कुमार भाई साहब, ये रसूलपुर निवासी है, ये 21 रुपया चंदन सिंह के लिए कलम चढ़ा भेजा गया है और उनका कहना है कि अभी ब्याज तो बाकी है। अरे साले बेवकूफ की होती है जिसकी इज्जत होती है। भैया कैसेट बन रही है, बर्बाद करके तूने इस लड़की का गुस्ताखी किया है, सजा ये है तेरे लिए। किसके पार पड़ बोल बहन, हाँ के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे कहानी को तो भैया तब तो बची जावे करावा। अरे साले इसका मतलब ठाकुर हूँ, आप भी एक ठाकुर हैं, ठाकुर ठाकुर की इज्जत करना चाहिए। कौन ठाकुर है साला? अच्छा तुम ठाकुर आ गा? हाँ कौन है कुल के ठाकुर? पार कुल तोरी कमार सारे। सार गात गवाल कुल के ठाकुर है। गवाल नहीं कहता है, पवार कहता है, पवार एक जात होती है। अच्छा पवार है, चलो चलो पैर छू पार छोल उंडिया के। ठीक भैया छू लेंगे, लेकिन आप लोग दो मिनट के लिए मुंह अपना पीछे कर लीजिए। कोई बात नहीं, मैं तेरी इज्जत करता हूँ और हम लोग दो मिनट में उधर मुंह करते हैं। पार छू के निकल जाना, नए साले दुनिया रहेगी साले। साले उधर को क्या देखता है? उधर को क्या देखता है? आंखें उधर चल रही साले की। आज तुम्हारी मौतें भी आई हैं। ठीक हम लोग उधर मुंह करते साले। अबे साले खजुआ क्या कर रहा है? लागो। हाँ भैया ला देंगे भैया। तू साले इसके पास लगेगा इसके। अरे इसके लाज भी है, आदमी है, कौन इज्जत की। हाँ सही बात है। पहले हमारे पास पहले छू लियो भैया। चलो चलो कोई बात नहीं, छू लिया भैया। अगर पुत्र हो जाता हूं तो पेट फाट जाई। चलो पैर बचन पा गए बहन। अरे इधर तो और बढ़ाओ। कुछ नो चलेगा क्या? कुछ नो चलेगा क्या? नो चलेगा? अरे कुछ नो चलेगा, हम देखे ना बड़े बड़े तल मला के रहेगा भी देवा। जाने साले। बाबू जी बोले। अबे साले चंदन सिंह बोल बोल। ये दुश्मनी ठाकुर कमाल सिंह से बहुत महंगी पड़ेगी। इस जगह तुझे मारूंगा, तेरे परिवार का तेरे मुंह में एक बूंद कोई पानी छोड़ने वाला नहीं होगा। अरे साले अगर मौका देते साले सामने आकर एक यह दिखा के जो है मध्य चलन बोल रहे हैं। अब जद तुमने क्या हुई है और हमका जाती हो इनका भाई नोच चलाए थे जाए इनकी ना नहीं।
भैया तो मिर्गी आपका मारता है इनके जहां मरन है वह खतिए बवाल हो रहा है जहां इनके मरन हुए खतिए बवाल हो रहा है। अरे साले उसके लग जाएगा लौंडिया। बाबूजी सुने मेरी बात को, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और मेरे बाबू को बचा लो, अरे मुझ पे ये एहसान करो। मिशन हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम चंदू है दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस चैनल के माध्यम से आपको सोशल मैसेज। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान से वीडियो को पूरा सुनना है। और दोस्तों आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपके लिए जो ये मैसेज हम देने आए हैं, ये सोशल मैसेज है, आप अपने अड़ोस पड़ोस अगल बगल गली मोहल्ले रिश्तेदार नातेदारों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई मेरा फायदा नहीं है दोस्तों, आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य था, मैंने पहुंचाया अपने चैनल फनी मनोरंजन के माध्यम से। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि दोस्तों आपके अगल बगल अगर कोई भारी बीमारी से ग्रसित है, बहुत ज्यादा ग्रसित है, जो बहुत सारी दवा करवा के अंग्रेजी दवाओं में बहुत परेशान हो चुका है और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसका इलाज संभव है और 99.9% के लोग गारंटी इलाज करते हैं। तो दोस्तों एक बार इनसे आप इनके कॉन्टेक्ट पर फोन करिए, अगर किसी भी बीमारी कोई भी बीमारी हो, शुगर, कैंसर, बवासीर, एड्स, HIV, नपुंसक या गर्भाशय में प्रॉब्लम, बच्चे नहीं होना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इन लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारा अपने चैनल फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बताते रहिएगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी वीडियो में फिर से मिलेंगे, जाते जाते मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।